कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम आन करीब उनको उन जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से दरिया बहते हैं और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जिन लोगों से अल्लाह नाराज है उनको तकलीफ, और जिनसे खुश होता है उनको सुकून मिलता है, और सुकून तो अल्लाह ताला के जिक्र में है। और अल्लाह ताला को खुश करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ भलाई की जाए, उनके काम आए, मखलूक की बेहतरी के लिए काम किए जाए, और अल्लाह ताला की मखलूक को कुरान पढ़ने पढ़ाने और समझने की तरफ रागिब किया जाए। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में हर आदमी आसानी और तरक्की चाहता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक साइंस टीचर बनाया और मैं साइंस पढ़ाते हुए साइंस को कुरान के ताबे करके कुरान के मुताबिक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और इसी शौक और जज्बे के तहत मैंने ये किताब कुरान एंड फिजिक्स लिखी है, ताकि मैं हर टॉपिक पढ़ाते हुए उसको कुरान के मुताबिक उसकी तावील करूं और उसका तर्जमा और उसका जो मफहूम है वो कुरान के मुताबिक बयान करूं, क्योंकि कुरान में हर चीज़ का मुफस्सल बयान है। वनज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन, कुरान में हर चीज़ का रोशन बयान है। तो कुरान में साइंस भी मौजूद है, इसलिए मैं साइंस पढ़ाते हुए हर फिजिक्स के टॉपिक को कुरान के मुताबिक उसकी तावील करके बताता हूँ, ताकि बच्चों में कुरान का शौक और जज्बा पैदा हो, और इसी शौक और जज्बे के तहत मैं ये किताबें लिखता जा रहा हूँ।